अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे और रमज़ान की बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे होंगे। तो मैं भी अपने घर में कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं बना रही हूं आज चिकन लॉलीपॉप्स विद चीज़, ठीक है। और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। ये मैंने अदरक लहसुन लिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये वाले मैं तंदूरी में भी यूज़ करूँगी, अभी मैं आपको सब दिखाती हूँ। और ये मैंने तीन बड़ी वाली मिर्चें ले ली हैं जिनको चॉप कर लिया है। और ये मैंने चीज़ लिया है मोज़रेला, जिनको मैंने ऐसे स्क्वायर्स में डाला है, ठीक है। और ये मैंने अपना चिकन का कीमा लिया है। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर के तीन ये वाले चम्मच, इस साइज़ के चम्मच मैंने लिए हैं, तीन कॉर्नफ्लोर के और तीन मैंने लिए मैदे के, ठीक है। एक अंडा ले लिया है मैंने फुल। और ये मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, ये चाइनीज़ सॉल्ट है। और ये मैंने ब्लैक पेपर लिया है। तो चलते हैं इसको सबको मिक्स करते हैं, सब चीज़ों को। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, ठीक है, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का, ठीक है जी। ये दो चम्मच मैंने भर के डाल दिए हैं इसके। और साथ ही साथ हम अपने ड्राइड इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, ठीक है। और ये भी हम सारा डाल देते हैं इसके अंदर। और मैं इसको भी, अंडे को भी डाल देती हूँ। तो इसको मिक्स करते हैं, साथ ही अपनी हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। अच्छा जी, हरी मिर्ची भी डाल ली हैं, अब इसको मिक्स करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह मैं स्क्वायर्स में लगाती हूँ बाकी की अपनी चिकन सारी। और साथ ही साथ मैं आ जाती हूँ अपनी तंदूरी चिकन की तरफ, वो भी आपको बताती हूँ क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंने चिकन के पीस ले लिए हैं, लेग वाले लिए हैं, और साथ मैंने लिए हैं थोड़े से विंग्स, ठीक है। और इसको भी मैंने पहले क्या किया, लेमन लिए मैंने दो बड़े वाले, और उनका मैंने जूस से इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, ठीक है। और ये बाकी का मैं पेस्ट इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का। इसके अंदर भी सारा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। बस बाकी का हम अपने समोसों के लिए रख लेते हैं। समोसों की चिकन भी मैंने उसके अंदर रखी हुई है, उसको भी हम अभी मैरिनेट करते हैं और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम तंदूरी चिकन बना रहे हैं, तो इसके साथ मैंने ले लिया है तंदूरी मसाला, पेपरिका पाउडर, और ये मैंने कॉमन सॉल्ट लिया है, पिंक सॉल्ट। और मैं अपनी ऐड करने लगी हूँ क्रीम, ठीक है। पहले हम ड्राई इंग्रीडियंट्स डालते हैं, फिर सबको मिक्स करते हैं, फिर अपनी क्रीम ऐड करते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए ऐड किया, एक तो फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है तंदूरी में, और तंदूरी का आप मसाला ले लें, ठीक है, जो कॉमन नेशनल का आता है वो आप ले लें। और साथ ही में आप चाहें इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन ऐड किया है तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत बड़े वाले लेमन ऐड किए थे शुरू में और थोड़ा सा सिरका ऐड किया था। तो अब मैं इन सबको करती हूँ मिक्स। अच्छा जी, मैंने मिक्स कर लिया है, लेकिन कलर के लिए मैं थोड़ा सा डालती हूँ जर्दे का फूड कलर, ठीक है, और इससे ज़रा कलर अच्छा आ जाता है हमारे पीस का। आप चाहें तो फुल रोस्ट भी ले सकते हैं और हाफ भी ले सकते हैं। इसको भी करते हैं मिक्स। अच्छा जी, हमारा येलो कलर भी लग गया, और अब मैं इसको रख दूँगी ओवरनाइट के लिए, ठीक है, और फिर मैं रमज़ान में इसको यूज़ करूँगी। और इससे ये होगा कि मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा, काफ़ी बच जाएगा मेरे पास टाइम अल्लाह पाक की इबादत के लिए। और मैं आप समोसों के लिए तैयारी करने लगी हूँ, चलें बनाते हैं समोसे अपने। अच्छा जी, मैंने सोचा मैं इसको भी दिखाती चलूँ। ये मेरे स्क्वायर्स रेडी हो गए हैं लॉलीपॉप्स के, चीज़ वाले, और मैंने प्लेट को ऑयलिंग कर दी थी, ठीक है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये, क्योंकि अभी इसको हाथ लगाते हैं ये बहुत सॉफ्ट है, इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे और इसको सेट होने देंगे चिकन को, और जैसे ही फ्रीज़ हो जाएगा अच्छी तरह तो इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। या आप इसको फ्रीज़र में रख दें और इसको आप रमज़ान में यूज़ करें। लेस स्पाइसी हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं और बच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने चॉप करके चिकन चिलीज डाली थी, तो बाकी मैंने पेस्ट डाला था और स्पाइसेस भी ज़्यादा नहीं है, जस्ट सॉल्ट एंड पेपर है। तो इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा इसके। तो चलते हैं अपने समोसों की तरफ। अच्छा जी, समोसों से पहले हम बना लेते हैं अपना इमली की चटनी, ठीक है, क्योंकि समोसों के लिए अभी मुझे वेजीज़ कट करनी है, तो अभी मैं वेजीज़ कट करूँगी। और साथ ही साथ मैं अपनी चिकन भी मैंने रखी है उधर, ठीक है, तो मैं चिकन को भी मैरिनेट करके रखती हूँ और इसके अंदर फ्राई करेंगे हम अपनी चिकन को। मैं बॉयल वाली चिकन नहीं यूज़ करती, तो मैंने इसका फ्लेम ऑन किया है कढ़ाई का, और इमली की चटनी बनाते हैं। तो हम पहले इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। पहले हमने स्ट्रॉबेरी जैम बनाया था और अब हम इमली की चटनी बना रहे हैं। इन सब को हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इतना पानी डालना है कि ये डिप हो जाए अच्छी तरह, और फिर हम साथ ही साथ अपनी चिकन भी बनाते हैं समोसों के लिए। इसको हम बॉईल होने देंगे, और बॉईल आएगा जब तक गुठलियाँ और ये इमली अलहदा हो जाएगी, और फिर हम इसको छानेंगे और फिर बाकी के मसाले ऐड कर इसको थोड़ी देर पकाएंगे और इसको थोड़ा सा हम थिक कुक करने देंगे। थिक कर फिर हम इसको अपने जार में डालेंगे। अच्छा जी, इसमें हम ऑयल ऐड करते हैं,
मैं इसीलिए फ्राई करती हूँ चिकन को कि इसमें एक तो पानी ड्राई हो जाता है चिकन का, सॉगी नहीं होते आपके समोसे या रोल, ठीक है, और मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके होते हैं वो सॉगी बिल्कुल भी नहीं होते, पूरा रमज़ान आप इसको यूज़ करें, ठीक है। घर की बनी हुई चीज़ तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है, तो इसमें मैं डालती हूँ आपका कीमा। अच्छा, कीमा मैंने डाल लिया है तो इसमें मैं डालने लगी हूँ ये अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट बनाया था हमने, ठीक है, इसको ऐड करने लगी हूँ। ये सारा मैंने बाकी का ऐड कर दिया है। अच्छा, इसको भूनेंगे। अभी मैं ड्राइड मसाले इसके अंदर ऐड नहीं कर रही क्योंकि जल्दी पानी छोड़ देगी चिकन। अभी जो पानी है इसको हम ड्राई करेंगे, उसके बाद मसाले ऐड कर फिर जो वाटर निकलेगा फिर हम दोबारा उसको ड्राई करेंगे। इसको भूनते हैं अभी ताकि इसकी स्मेल भी मर जाए और जल्दी से भून भी जाए। अच्छा जी, ये हमारा कीमा अभी भुन रहा है, इसका अभी पानी निकल रहा है, एज यू कैन सी कि इसका वाटर है अंदर, और इसको अच्छी तरह अभी हम भुनेंगे, फिर अपने ड्राइड मसाले डालते हैं। और ये हमारी इमली भी हो रही है साथ साथ, इसके अंदर भी थोड़ा चम्मच हिला देते हैं हम ताकि ये जल्दी घुल जाए। खट्टी मीठी हम इसकी चटनी बनाएंगे और फ्रीज़र में रख देंगे इसको, और इसको हम पूरा रमज़ान चलाएंगे, इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। जैसे ही हम निकाल कर रखेंगे फ्रीज़र से तो ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, निकालें और इसको आप इंजॉय करें हमेशा जो भी आपकी चटनियाँ आप बनाएं, ठीक है। जैम को आप रख सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हम लेमन ऐड करते हैं और उसको भी हम फ्रीज़ नहीं कर सकते, अगर करना चाहें तो ज़्यादा दिनों के लिए। अगर आपने ज़्यादा बनाया है जैम तो आप उसको, जैसे सिरप बनाया है, अगर स्ट्रॉबेरी सिरप बनाया है तो आप उसको फ्रीज़ करें, नहीं तो आप जो है ना उसको फ्रिज में ही रखें तो बेटर है क्योंकि वो उसका फिर टेक्सचर नहीं रहता वही वाला। चलें जी, इसको बनने देते हैं और 10 मिनट बाद मिलते हैं। अच्छा जी, जब तक बन रहा है तो मैं ड्राइड मसाले आपको बता दूं, तो हम बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रमज़ान है, और जितना भी हो सके आप कम मसालों को यूज़ करें अपने खानों में ताकि स्टमक जो है वो रिलैक्स रहे और कोई भी हमें डिजीज़ ना हो। तो इसके अंदर मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करती है, अजवाइन के बहुत फ़ायदे हैं और समोसों में बहुत ही अच्छी लगती है, फ्लेवरफुल लगती है। और साथ ही मैं सॉल्ट, मतलब सॉल्ट एंड पेपर यूज़ कर रही हूँ बस, ठीक है। अपनी चिकन में मैं बस यही मसाले ऐड करूँगी, और साथ ही मैं अपनी थोड़ी सी कैरेट्स और बंद गोभी और इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी उसके साथ ही, ठीक है। उनको मैं बैठ कर चॉप करती हूँ और साथ ही साथ हमारी चिकन भुन जाए, फिर आती हूँ मैं। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड किया है अपनी चिकन के अंदर, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, इमली इस पॉइंट पर आकर जब गुटियाँ अलहदा हो जाएं, पानी अलहदा हो जाए, तो इस पॉइंट पर आकर हम इसको बंद कर देंगे फ्लेम को और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसको हम छान लेंगे और इसकी गुटियाँ जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी का जो वाटर होगा और जो गोदा बचेगा इसका फिर से हम दोबारा से मसाले डालेंगे उसके अंदर और फिर हम अपनी चटनी बनाएंगे और उसको थिक करेंगे। अच्छा जी, इस पॉइंट पर आकर मैं अपनी वेजीज़ ऐड कर रही हूँ। ये मैंने गाजर ले ली है और 3 मैंने मिर्चें ले ली हैं, एक मैंने बड़ी वाली ली थी गाजर, ठीक है, और साथ ही साथ मैं थोड़ी सी कैबेज यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपने वेजीज़ नहीं वाली बनानी तो आप इस तरह कीजिएगा, इस पॉइंट पर आकर आप कोयले का स्मोक दे दीजिएगा चिकन को और चीज़ ऐड कर दीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी, उसके ज़रा मसाले और होते हैं। बस अब वेजीज़ का थोड़ा सा वाटर एक्सट्रैक्ट होगा और उसके बाद हम इसको ड्राई करेंगे। चलिए जी, मैं इसको भी भूनती हूँ और साथ ही साथ मैंने अपने आलू रखे हैं बॉईल होने के लिए। हम आलू एक समोसे भी बनाएंगे, आलू वाले भी, उसके भी आपको बताऊंगी कि क्या इसके मैं मसाले ऐड करती हूँ। अच्छा, मेरी वेजीज मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली और इनका वाटर निकलना शुरू हो गया है, तो मैं एक लेमन ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ताकि इसका जो कलर है और अरोमा और जो भी हमने ऐड कर लिया अपना इमली का सारा गोदा। और इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं, मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ शक्कर यानी कि गुड़, ठीक है। जो टेस्ट गुड़ का आता है वो वाइट शुगर का नहीं आता इमली की चटनी में, आप कभी ट्राई कर देखें। और इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट ऐड करूँगी और कॉमन पिंक सॉल्ट ऐड करूँगी। ये मैंने देगी लाल मिर्च पिसी हुई और कुटी हुई दोनों ली हैं, ठीक है। आप चाहें तो कोई एक भी ले सकते हैं, गुड़ का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। और ये हम सारे, ये मैंने 10 चम्मच लिए हैं गुड़ के, ठीक है, भर कर, यही वाला टेबल स्पून भर कर मैंने ये लिया है 10 चम्मच, ठीक है। और मैं इसको ऐड करती हूँ, सॉल्ट मैंने अपने हिसाब से लिया है, सारे मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ और इसको हम चलाते हैं चम्मच। अच्छा जी, हमारी इमली की चटनी बन रही है और ये मैंने एक जार ले लिया है, इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में, जब ये ठंडी हो जाएगी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे। इसको अभी हम गाढ़ा होने देंगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना।
अच्छा जी, मेरी चटनी हो गई थी रेडी, तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब ये ठंडी हो गई है और मैं इसको इस जार में रखने लगी हूँ। मैंने इतनी थिक बनाई है, आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप ज़्यादा थिक कर लें। ऐसे ही अभी फ्रीज़र में जाएगी और फ्रिज में जाएगी तो ये ठंडी और ज़्यादा होकर थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी रूम टेम्परेचर पर है तो इसलिए थोड़ी सी इस तरह लग रही है, ठीक है, बट इट्स इनफ, इतनी ही होनी चाहिए। तो इसको अब मैं 15 डेज़ के लिए फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। हाँ जी, तो मैं अब आलू के समोसे बनाने लगी हूँ। तो चिकन के हमने ये बना लिए थे अपने, जैसे मैंने आपको दिखाई थी फिलिंग इसकी, तो मैं ये अब आलू के बनाने लगी हूँ। तो इसके मैं मसाले आपको बताती चलूँ। ये मैंने पिंक सॉल्ट ले लिया है, अजवाइन है और रेड चिली क्रश्ड है, थोड़ी सी हल्दी ली है, ज़रा आलू का कलर अच्छा आ जाता है इससे, ठीक है। आपने नहीं डालनी तो आप ना डालें, टेस्ट अच्छा आता है, मैंने इसलिए डाली है। और सफ़ेद ज़ीरा है और ये थोड़ी सी पार्सली ली है, ठीक है। इन सबको हम इसमें डालते हैं। और आलू मैंने मैश कर लिए थे, दोबारा से मैं इसको मैश करती हूँ और मसाला मिक्स करती हूँ। अच्छा जी, मसाला इसके अंदर ऐड हो गया है, मैंने कम स्पाइसेस रखे हैं आलू के अंदर भी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनकी फिलिंग तो हमने रेडी कर ली है। अब ये मैंने ले लिए हैं 3 चम्मच भर कर मैदे के, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ वाटर। इसका हमने थिक सा पेस्ट बनाना है अपने जो समोसे हैं और जो रोल हैं उनकी बाइंडिंग करने के लिए, कि अच्छे से वो बंद हो जाए। कुछ लोग यूज़ करते हैं वाइट, एग वाइट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ। एग वाइट मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा समोसे खुल जाते हैं, तो मैं इसलिए इसे बंद करती होती हूँ अपने समोसे। तो मैं इसकी एक थिक सी फिलिंग बना लेती हूँ। अच्छा जी, मैंने अपनी समोसा ग्लू रेडी कर ली है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी गुटलियाँ हैं, इसको हम ऐसे कर लेंगे स्पून से, ठीक है, ताकि ये स्मूथ सा हमारा ग्लू रेडी हो जाए। तो इसकी हम फिलिंग करेंगे। ये मैंने ली है अपनी रोल पट्टी, ठीक है, और ये है समोसा पट्टी। तो इनकी मैं फिलिंग भी बताती हूँ किस तरह करते हैं। अच्छा जी, तो मैं इसकी फिलिंग बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी ग्लू लगाएंगे, ठीक है। आपने इस तरह देख लेना है कि यहाँ से यूँ क्लोज़ होगा, तो हम इस पट्टी पे अपनी थोड़ी सी इसको लगाएंगे और इसको हम ऐसे क्लोज़ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह ही इसको यूँ ले जाएंगे, ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना समोसे जो हैं वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करना है। और इसकी अब हम फिलिंग करते हैं अपनी चिकन वाली। मैं अपनी फिलिंग डाल रही हूँ, ठीक है, और फिर इसको हम ऐसे हम क्लोज़ कर देते हैं। थोड़ा सा मैसी काम है, बट जब हो जाता है तो फिर इसको आप फ्रीज़ करके रख दें, पूरा रमज़ान चलाएं। इसी तरह मैं अपने सारे समोसे और रोल बनाऊंगी। अच्छा जी, तो हमने अब मैंने अपनी आलू की फिलिंग रख ली है, ठीक है। तो मांडा पट्टी पे अब मैं ये लगाने लगी हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं इस ग्लू लगा दूँगी। आई डोंट नो स्पेसिफिक इसका नेम क्या है, इसको कहते हैं, बट मैं इसको ग्लू ही कहती हूँ। तो मैं इसको फोल्ड करूँगी। हम उतनी ही फिलिंग रखेंगे जितनी रोल, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे और साइडों से प्रेस करेंगे ताकि इसकी फिलिंग ओपन ना हो और जब फ्राई करते वक्त इसकी फिलिंग टूटे ना और अंदर बिल्कुल भी ना टूटे, ठीक है। मैंने इधर भी लगाई हुई है ग्लू, तो मैं थोड़ी सी इधर भी लगा लेती हूँ साइडों पर। तो ये हमारा रोल रेडी है, ठीक है। एक मैंने ये बनाना सिखा दिया और एक ये, और इसी तरह मैं बाकी सारे बनाती हूँ। तो फिर उसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने आपको बनाना सिखाया। आई होप कि आज की आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। तो रमज़ान में आप लोग बनाएं और इसको सेव करके रख दें अभी से, ताकि आपको रमज़ान में अल्लाह पाक की इबादत के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।